नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा अगर कहीं भी कुछ भी आपका डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए या दूसरा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं तो चलिए आज के सेशन में हम मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास के बारे में स्टडी करेंगे अभी तक सेंटर ऑफ मास का हम पोजीशन कैसे डिसाइड करते थे वो सब स्टडी किए थे अब मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ मास हम निकालते क्यों हैं क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन जितने भी लॉ हैं वो सब पॉइंट मास के लिए अप्लाई होते हैं लेकिन कोई राड है ये सब है जो कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूट होता है उस पर हर पॉइंट पे तो नहीं लगा सकते ना तो उनका पूरा मास किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होता है उसी को हम निकालने के लिए ये सब सारा चीज़ स्टडी किए थे तो आज के सेशन में वेलोसिटी असलेशन फोर्स मोमेंटम सारे पार्ट को स्टडी करेंगे तो शांति से चालीस मिनट आप देखिएगा सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं और इसके लिए अगर आपने अभी तक जो स्टार्टिंग के चार लेक्चर नहीं देखे हैं उसको एक बार देख लीजिए क्योंकि आज का पूरा सेशन है, तो तो है मोशन कैसे हो रहा है उसको हम कैसे निकालेंगे तो चलो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करता हूं मान देता हूं हमारे पास एक बॉक्स है ठीक जिसका पूरा मास है एम अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इसको मैं ओरिजिन एक्सटेंड कर देता हूं ठीक ये पूरा बॉक्स कर इसको हम ओरिजिन एक्स दे दें इसको वाई दे दें अब इसमें मैं मान देता हूं कि छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिल के ये पूरा बना हुआ है इसका मास एम वन एम टू एम थ्री ऐसे ही एन नंबर ऑफ पार्टिकल हैं जिनका टोटल मास एम निकल के आया है अब जो ए एम वन है अगर यहाँ से सेंटर है तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितना है मान देते हैं इसका डिस्टेंस यहां से है आर वन वेक्टर जो अभी तक हमने डिस्कस किया था उसी के बारे में सारा चीजें हो रही आर वन एक और मास मान देता हूं चलो यहाँ पे एम टू इसका डिस्टेंस जो सेंटर से है कितना आएगा आर टू वेक्टर ठीक ऐसे ये एन नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो चलो एक ले देता हूं एन नंबर तो यहाँ पे ले देते हैं एम एन एन नंबर ऑफ मास है ठीक इसका डिस्टेंस यहां से है कितना आर एन वेक्टर समझ में आया कि नहीं अब जब ये सारे जो छोटे छोटे मास है मिल के एक कंबाइंड मास बना रहे हैं तो इनका सेंटर ऑफ मास होगा ना जो इन सब का कंबाइंड इफेक्ट है वो किसी एक पॉइंट पे आ रहा होगा तो आपको पहले पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए एक बार पोजीशन मिल गया हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आएगी फिर वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे क्या निकल के आएगा असोसन आएगा मास का मल्टीप्लाई करेंगे विलोसिटी में हमें मोमेंटम निकल आएगा और मास का असलेशन मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकल के आएगा फोर्स तो ये सब सारे रोड मैप पे हम आज जाने वाले हैं तो चलो जो जो हमने यहाँ किया लिख देता हूँ यहाँ देखो ध्यान से पहला लेक्चर है इस सेशन का इसलिए मैं डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा आप उसको आराम से कर दोगे तो हमने क्या कंसीडर किया लेट कंसीडर द मोशन ये पूरा जो सिस्टम है आपका मोशन में है मान लेते भी, भी से जा रहा है ठीक है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ अ सिस्टम इसका पूरा मास कितना सिस्टम ऑफ कितने नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है एन नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ठीक एन पार्टिकल्स अब जो इसका है आप एक कितने से बना है आप इंडिविजुअल मास एम जो छोटे छोटे हैं एम वन एम टू एम थ्री कितने ऐसे हैं इंडिविजुअल कहां तक है इंडिविजुअल मासेस कितने नंबर आप मास हैं मान लिए हैं हम इन एन नंबर के मास हैं एम वन ऐसे कहाँ तक है मान लेते हैं एम नंबर तक है और जो इनका कंबाइंड इफेक्ट है ये क्या आएगा टोटल मास जो आएगा टोटल मास ऑफ कैपिटल एम समझ में आया कि नहीं जो यहाँ मैंने किया था उसी को यहाँ पे लिखा है छोटे छोटे मास को मिला के एक कंबाइंड मास जो कैपिटल एम बना रहा है अब चलो मान लेते हैं अब देखो कुछ अजम्सन देते हैं जब ये पार्टिकल पूरा जो बना वाला मास है मोशन करना शुरू किया मान लेता हूँ कि इस पर कोई एक्स्ट्रा मास न ही इंटर कर रहा है न ही आउट कर रहा है अब अगर जैसे मोशन कर रहा है इसपे मैं पाँच के जी के एक और ब्लॉक डाल दूं तब तो पोजिशन चेंज हो जाएगी ना मास इंक्रीज हो गया या मैं कुछ पार्ट काट के निकाल दूं फिर भी चेंज हो जाएगा तो हम अजम्सन जो लेके चल रहे हैं यहाँ पे अजूम देखो ये सब एकदम बेसिक है आप थोड़ा टाइम दीजिए मैं जीरो से सारी चीजें सिखा रहा हूं पेशेंस के साथ देखिए सारा जो भी आपको डिफिकल्ट लगता होगा एकदम आसानी आसान से आप उसको कर दोगे अजोम नो मास इंटर्स आर सिस्टम जो हमारा ये सिस्टम है इसमें ना तो कोई मास इंटर कर रहा है और न ही इससे कोई बाहर जा रहा है समझ में आया कि नहीं लिप्स सिस्टम और क्या है ड्यूरिंग इट्स मोशन जब ये मोशन कर रहा है उस समय न ही कोई इस पे मास इंटर कर रहा है और न ही बाहर जा रहा है जो है वो कांस्टेंट रह, रह रहा है ठीक ड्यूरिंग इट्स मोशन तो जो हमारा मास है m वो क्या रहेगा अगर कोई मास न ही आउट हो रहा है न ही इन हो रहा है तो मास हमारा क्या होगा m रिमेंस कांस्टेंट समझ में आया कि नहीं मास जो है इसका टोटल मास वो कांस्टेंट रहने वाला है अब आपको याद होगा पार्टिकल्स अगर इन पार्टिकल किसी प्लेन में होते थे उसका हम सेंटर ऑफ मास कैसे लिखते थे पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया हुआ था तो चलो अब उसी को लिखते हैं सॉल्व करना चालू करते हैं अगर इसका हमें सेंटर ऑफ मास लिखना रहे तो क्या फार्मूला आया था आर वेक्टर सेंटर ऑफ मास सब वेक्टर है मैंने आपको वेक्टर कार्टेशियन सबका सिखाया हुआ है एम वन आर वन वेक्टर प्लस एम टू आर टू वेक्टर ऐसे कितने नंबर के पार्टिकल है मान लेते हैं एन नंबर के पार्टिकल है एम एन आर एन वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या था टोटल मास एम वन एम टू प्लस जितने नंबर आप मासेस हैं एम वन प्लस एम टू प्लस कहाँ तक है टोटल मास एम एन तक ठीक अब चलो इसको और सॉल्व करते हैं पोजीशन आप सेंटर ऑफ मास को और सिंप्लीफाई करते हैं आर वेक्टर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या निकल के आएगा एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू वेक्टर कहाँ तक जाएगा एन तक ए निकल के जाएगा प्लस एन नंबर ऑफ पार्टिकल को ऐड करूंगा तो क्या निकल के आएगा टोटल मास कैपिटल एम अब चलो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आर सेंटर ऑफ मास जो है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं एम वेक्टर सेंटर ध्यान देखो, देखो यार कुछ नहीं है क्वेश्चन में भी ऐसे ही पूछेगा एक बार आपका लॉजिक क्लियर रहेगा बाकी सब कैलकुलेशन है अरेंज आपको करना होता है हमने यहाँ पे क्या किया एम का इसमें मल्टीप्लाई करा दिया है प्लस कहाँ तक ये गया है एन नंबर ऑफ पार्टिकल तक गया है एम एन आर एन यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो बोलो अब देखो पोजीशन आप विक्टर है अगर हम इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये वेलोसिटी आ जाएगा कि नहीं लेकिन यहाँ मास क्या होने वाले हैं ये सब कॉन्स्टेंट होने वाले हैं तो चलो यहाँ मैं देख देता हूँ आगे अब हमें वेलोसिटी चाहिए हम वेलोसिटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्वेश्चन में क्या बोला है क्या आपका डिजायर्ड है उसको समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन देखते कि हमें क्या करने की जरूरत है डिफ्रेंशिएट दिस एक्सप्रेशन है जो ऊपर एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी ठीक कुछ भी डाउट है तो बोलना टाइम टी के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एम आर वेक्टर इसको हम क्या करने वाले हैं डी आर डिफरेंशिएशन को कैसे दिख रहे थे देखो अगर आपने डिफरेंशिएशन का लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिए वहाँ पे मैंने मैथमेटिकल टूल में डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया हूँ इक्वल टू यहाँ एम फिर कॉन्स्टेंट है किसका डिफरेंशिएशन होगा केवल आर वन का होगा पोजिशन वेक्टर जो है एम का किसके रेस्पेक्ट में टाइम का प्लस एम टू इसी तरह सेकेंड डिस्टेंस जो है उसका वेक्टर का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में टाइम के रेस्पेक्ट में प्लस कहाँ तक ऐसे जा रहा है एम एन नंबर पार्टिकल तक वेक्टर डिवाइडेड समझ में आया कि नहीं अब आप ध्यान से देखो काइनेमेटिक्स में जब मैं आपको ये सब सिखा रहा था वहां पे जो पोजीशन वेक्टर होता था डी आर वेक्टर बाई डी टी चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम आप ऐसे भी देख सकते हो किसके बराबर होती थी भी याद आया कि नहीं देखो यार रिवाइज आप करते रहिए अगर नहीं करोगे तो एग्जाम में आप भूल जाओगे आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब चलो जहां जहां डी आर विक्टर बाई डी टी है वहां मैं वैसा वेलोसिटी का एडजस्ट करता हूं तो चलो एम अब डी आर विक्टर बाई डी टी है किसका है सेंटर ऑफ मास का है तो एम भी वेक्टर सेंटर ऑफ मास इक्वल क्या आएगा भी वन वेक्टर ठीक प्लस एम टू क्या आएगा वेक्टर ऐसे कहाँ तक है एन नंबर तक है एम एन भी एन वेक्टर ठीक अब चलो हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहिए थी जो इसका कंबाइंड पोजिशन आ रहा था वो कैसे मूव कर रहा था उसके लिए हम क्या करेंगे भी वेक्टर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू ये में हम मल्टीप्लाई है उसका मैं क्या करूंगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर कहाँ तक जाएगा ये n नंबर ऑफ पार्टिकल तक जाएगा mn vn वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या है डिवाइडेड बाय टोटल मास है। अब आपको चाहे जितने पार्टिकल दिए रहे और किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी उन सब की दी रहे आपसे पूछे कि सेंटर ऑफ मास किस स्पीड से मूव करेगा यहाँ फार्मूले में आप वैल्यू रखना आसानी से उसको निकाल लोगे बताओ यहां मैंने कुछ भी किया बस केवल अरेंज किया हूं अब आप ध्यान से देखिए एम इंटू भी क्या होता था अगर आपको याद होगा ए आपका किसके बराबर होता था मोमेंट ऑफ पार्टिकल याद आया तो चलो यहाँ पे मैं उसको लिखता हूँ एम वेक्टर भी यहाँ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल को क्या लिखते थे पी इक्वल टू मास वेलोसिटी तो चलो यहाँ पे मैं मोमेंटम भी लिख देता हूँ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल तो क्या होता था P वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर इक्वल टू उसको P से रिप्रेजेंट करते थे मास वेक्टर अब देखो जहां जहां m इन भी है अगर इसको मैं इक्वेशन वन मान लू इसको तो जो इक्वेशन वन है यहां मैं पी वन पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू ऐसे पी एन तक कर सकता हूं कि नहीं आराम से कर सकता हूं तो चलो पी वेक्टर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू पी वन वेक्टर प्लस पी टू वेक्टर प्लस चाहे जितने नंबर आप पार्टिकल दे रहे हैं पी एन वेक्टर समझ में आया कि नहीं इसको क्या करूंगा यहाँ पे मैं राउंड अप कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि फार्मूला हम यूज कर रहे हैं हमें मोमेंटम आ गया वेलोसिटी आ गया अब अगला टारगेट है अपना असल निकालना किस असल रेट से हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव कर रहा है तो चलो उसका हेडिंग डालते हैं अब हमें क्या निकालना है असल रेशन देखो ध्यान से जैसे हमने काइनेमेटिक्स में नहीं किया था सब कुछ वही करना है बस इंडिविजुअल पार्टिकल पे लगाते जाना है बाकी इसमें कुछ भी नहीं है आपको कितना भी पार्टिकल दे एक बार सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए इसके बाद आप आसानी से सारे वेरिएबल जो भी अननोन है उसको निकाल लोगे तो चलो असल रेशन आप सेंटर ऑफ मास निकालते हैं उसके लिए मैं क्या करता हूँ जो इक्वेशन वन में यहाँ लिखा था इसको इसको फिर से यहाँ लिखता हूँ तो क्या था एम वेक्टर वेक्टर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू प्लस मान देता हूँ एन नंबर ऑफ पार्टिकल हैं एम एन भी एन वेक्टर अब मैं क्या करूँ अगर वेलोसिटी को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा असल मिलेगा कि नहीं आराम से मिलेगा तो चलो यहां देखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टाइम के रेस्पेक्ट में मैं फिर से इन सबको क्या करता हूँ करता हूँ ठीक तो चलो डालते हैं तो मास कांस्टेंट है डी वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी देखो आराम से देखो इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि जो आपको समझ में ना आए एक बार ध्यान से देखोगे ना सारा चीजें क्लियर हो जाएगा जो हमने अभी तक देखा था सारी वही चीज़ें यूज हो रहे हैं डी भी टू वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी ऐसे कहाँ तक जाएगा एन नंबर तक जाएगा डी जितने दिए रहे हैं आपको तीन चार पाँच क्वेश्चन में कितना भी दिए रहे यहाँ आसानी से कर देंगे अब आपको अगर याद होगा असल इक्वल टू क्या होता है जो डी भी वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी है, एक इसके होता है के तो जहां जहां जो है उसको हम लिख सकते हैं कि नहीं असलेशन के बराबर डी भी वेक्टर बाई डी टी को आराम से दिख सकते हैं तो चलो यहाँ पे डालते हैं एम ए वेक्टर ए किसका असोरेशन है सेंटर ऑफ मास का इक्वल टू एम वन ए वन वेक्टर प्लस देखो ये सारा मैं वेक्टर में लिया ऐसे ही कार्टेशियन में होगा क्वेश्चन में कुछ भी दे एक मैं करके दिखा दे रहा हूं अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं कार्टेशियन का भी बना दूंगा लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उसको खुद से करिए क्योंकि जब तक खुद से नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन करना कैसे है तो चलो हमें सेंटर ऑफ मास के भी असोरेशन चाहिए था तो हम जो मास इधर है उसको यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड कर देते हैं एम वन ए वन वेक्टर प्लस एम टू ए टू वेक्टर प्लस ऐसे कहाँ तक पार्टिकल हैं

ए भिलासिटी वो सबके लिए लिख लोगे i इक्वल टू एन एम आई ए आई वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या है टोटल नंबर ऑफ मास i इक्वल टू वन से i इक्वल टू कहाँ तक n तक एम आई आप इस फॉर्म में भी देख सकते हो तो मैंने कितना लिख के दिखाया आप ऐसे भिलासिटी का पूछे उसको भी आराम से देख सकते हो अगर कॉमन इक्वेशन पूछे बताइए इसमें कुछ भी डाउट हो आप इसको एक बार फिर से ट्राई करिएगा क्योंकि अगर खुद से नहीं करोगे एग्जाम में पूछेगा तो आप इसको नहीं कर पाओगे चलो अब ये आ गया अब देखो हमको मास पता चल गया असल रेशन पता चल गया अब अगर हमें पता करना हो कि, कि किसी पार्टिकल पर जो सेंटर ऑफ मास पर टोटल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है उसको हम कैसे निकालेंगे तो चलो उसके लिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन तो फोर्स हम कैसे निकालते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से तो यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग ठीक अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग विथ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का सेकेंड ऑफ मोशन क्या कहता है एफ इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग विथ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो चलो इसकी वैल्यू डालते हैं सेकेंड ऑफ मोशन क्या हमें बोलता है सेकेंड ऑफ मोशन बोलता है एफ वेक्टर इक्वल टू एम ए वेक्टर यही था सेकेंड लॉ अब देखो हमें इस यहां पे देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है एम दिया हुआ है यहाँ पे एम ए यहाँ पे देख रहे हो ना इसको मैं क्या मान लू इक्वेशन टू तो जो इक्वेशन टू है यहाँ पे देख देता फ्रॉम इक्वेशन टू तो फ्रॉम इक्वेशन टू से मैं क्या लिख सकता हूं ध्यान से देखो जैसे वहां पे मैंने मोमेंटम लिखा था यहाँ पे क्या लिखूंगा ये क्या आपका बता रहा है फोर्स किस पे लग रहा है सेंटर ऑफ मास पर कितना फोर्स लग रहा है एफ वेक्टर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू किस पे किस पे है एफ वन वेक्टर प्लस एफ टू वेक्टर ऐसे कहाँ तक है एन नंबर तक है एफ एन वेक्टर समझ में आया कि नहीं अगर हमसे पूछे पोजिशन वेक्टर ये सब देखे कि इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है तो हम इसको आसानी से निकाल देंगे सबका समझ दे देंगे अगर आपको इसे सीरीज के फॉर्म में देखना रहे तो क्या करोगे i इक्वल टू वन से दे के एन तक जा रहा है यहाँ पे क्या डाल दें एफ आई वेक्टर समझ में आया कि नहीं सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में इससे ज़्यादा कुछ भी सवाल नहीं पूछेगा अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि जो अभी तक हमने सीखा उसको एग्जाम में कैसे यूज करते हैं एक बार आप यूज करना सीख गए ना कोई भी पार्टिकल दिए हो बहुत सारे आप उनका सेंटर ऑफ मास निकालना बाकी अभी तक हमने जितना फार्मूला देखा या सीखा है सब कुछ उस पर अप्लाई होगा तो चलिए एक क्वेश्चन करता हूं और डिटेल में ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ मास वन के जी एंड टू के जी रेस्पेक्टिवली आर प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन विथ स्पीड देखो ये जो डायरेक्शन विथ है ना फिगर दिया हुआ था मैंने यहां फिगर नहीं बनाया है आपको यहां पे फिगर बना के दिखा देता हूं क्या है कि एक पार्टिकल है बी ठीक इसकी स्पीड है कितनी यू बी एक और पार्टिकल है जो ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया है ठीक इसकी स्पीड कितनी है मान इसकी स्पीड दिया ये सब डायग्राम दिया हुआ था यू ए ये है आपका ग्राउंड डाटम पॉइंट ठीक अब आपसे पूछ रहा है आगे कि जो ए की स्पीड है वो है 200 मीटर पर सेकेंड ठीक यहां डाल देता हूं 200 मीटर पर सेकेंड बी की स्पीड कितनी है बी की स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड अब आपसे पूछ रहा है ये दोनों देखो क्वेश्चन में दिया हुआ इनिशियली दे वेयर शुरू में कितने दूर पे है शुरू में ये दोनों 90 मीटर की दूरी पे हैं क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और विजुलाइज करिए क्योंकि जब तक समझ में आएगा नहीं वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे फिर क्या पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल आपसे पूछ रहा है कि इस दोनों पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो मैक्सिमम कितने हाइट तक जा सकता है और आपको क्या बोला है कि जो असल रेशन है ग्रेविटी के कारण उसको जी इक्वल टू टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानना है क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आई होप आपको समझ में आ गया होगा चलिए इसको मैं यहाँ पे और एक्सप्लेन करता हूँ देखो अगर ए पार्टिकल सेम लाइन पे जा रहा है यू ए स्पीड से यू बी किसी ना किसी पॉइंट पे आके मिलेंगे अब मान देते हैं उनका सेंटर ऑफ मास जो इनका कंबाइंड होगा एम ए भी दिया है ना एम बी कितना दिया हुआ है एम बी दिया हुआ है टू के जी और एम ए कितना दिया हुआ है यहाँ एम ए आपका दिया हुआ है वन के जी ठीक ये समझ में आया कि नहीं एम बी और एम ए अब आपको क्या बोल रहा है इनके बीच जब आना शुरू करेंगे तो कहीं इनका मान देता हूं कंबाइंड सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो यहां पे आएगा जब यहाँ पे आएगा तो B से वो कितनी दूरी पर आएगा B से मान देता हूँ जो डिस्टेंस आएगी आर बी और ग्राउंड से कितनी दूरी पर जाएगा इसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस मान देते हैं आर ए समझ में आया कि नहीं जो इन दोनों पार्टिकल का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे आएगा अब आपसे पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास से और कितने ऊंचाई तक जा सकता है तो सबसे पहले आपको सेंटर ऑफ आप मास निकालना है उसके बाद और मैक्सिमम कितनी हाइट पे जाएगा जहां पे टकराए हुए हैं ठीक है समझ में आया कि नहीं आई होप आपको समझ में आ गया होगा कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो वीडियो को पॉज करिए एक बार फिर से देखिए सारा चीज समझ में आ जाएगा मैं मान देता हूँ इस पॉइंट पे कहीं आके टकरा रहे हैं जहां पे मैं बना रहा हूँ और यहाँ से जहां पे सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे मैं देख देता हूँ सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितने हाइट पे आया है एच हाइट पे आया है

तो एम ए आर ए दोनों बराबर होंगे कि नहीं मास इनटू इनका डिस्टेंस वो दोनों बराबर होगा तो चलो उसको यूज करते हैं एम ए आर ए इक्वल टू एम बी आर वी देखो ये सब मैंने डिटेल में आपको सिखाया हुआ है जाके एक बार सीख लीजिए सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने के अप्रोच को सीखिए एक का मास कितना है वन के जी आर ए की दूरी आर ए की अभी हमें दूरी नहीं पता है तो चलो आर ए मान देते हैं इक्वल टू आरबी का मास कितना है टू के जी और डिस्टेंस मान देते हैं आर बी तो यहां समय क्या निकल के आया आर ए इक्वल टू टू आर बी इसको मान देता हूं इक्वेशन नंबर टू अब चलो हम आर ए की वैल्यू इक्वेशन वन में रखते हैं पुट आर इन इक्वेशन टू जब इसमें आप रखोगे तो क्या आएगा टू आरबी प्लस आरबी तो ये हो जाएगा थ्री आरबी इक्वल टू कितना हो जाएगा नाइन्टी तो यहाँ से जब हम आर को नाइन्टी में थ्री का डिवाइड करेंगे कितना निकल के आएगा आर से दूरी निकल के आएगी थर्टी मीटर जो आपका पार्टिकल यहाँ से चला है 30 मीटर पे उसका सेंटर ऑफ मास है जब ये 30 मीटर पे आया तो आर ए कितना आएगा आर ए आपका आएगा 90 माइनस थर्टी मतलब निकल के आएगा 60 मीटर अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता कि ग्राउंड से सेंटर ऑफ मास कितना है तो 60 मीटर की दूरी पर है और बी पॉइंट से कितने दूरी पर है 30 मीटर पे ये क्लियर हुआ कि नहीं अब अगर हमको हाइट चाहिए तो सारा कैलकुलेशन हमारा किस पे होना चाहिए जो भिजॉसिटी होगी इनिशियल भिजॉसिटी इनिशियल फिजॉसिटी दिया हुआ है फाइनल भिजॉसिटी मान देते हैं यहाँ पे आके टकराया है तो जहाँ पे आके टकराएगा वहाँ सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी ज़ीरो हो जाएगी लेकिन इन सब का हमको सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ही करना है न कि इंडिविजुअल जो अभी हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपको सिखाया उसी का यूज करेंगे तो चलो इसको शुरू करते हैं अब मान जो सेंटर ऑफ मास आया है सेंटर ऑफ मास इज हाइट कितने हाइट पर आया है इज हाइट 60 मीटर कहां से 60 मीटर फ्रॉम 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम द ग्राउंड एट टाइम टी इक्वल टू जीरो फ्रॉम द ग्राउंड एट टाइम टी क्वल टू जीरो इस समय अभी हमने सेंटर ऑफ मास ही निकाला है अब मान देता हूं कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना ऊंचाई ऊंचाई तक जाएगा अभी T माना जितने जाएगा माना जितने पर उसकी हाइट कितना मान हैं तो वहां जाने के लिए हमको असल रेशन चाहिए और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो चलो सबसे पहले असल रेशन निकालते हैं तो असल रेशन क्या होगा वेक्टर सेंटर ऑफ मास का अब भी हमने सीखा है एम ए यही सीखा है ना ए ए प्लस एम बी ए बी डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी अब आप ध्यान से देखो अगर ये दोनों ग्रेविटी के अंडर में मोशन कर रहे हैं तो इनका क्या आएगा जो ए होगा वेक्टर यहाँ पे मैं देख देता हूँ ए ए वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर इक्वल टू कित के बराबर है ये जी ग्रेविटी के बराबर है समझ में आया कि नहीं क्योंकि दोनों मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहे हैं अगर आपने जब मैं काइनमेटिक सिखाया था वहां पे एक फ्री फॉल का पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट सिखाया था वो आपको याद होगा तो चलो अब सेंटर ऑफ मास का असल निकालते हैं देखो एक ही क्वेश्चन करेंगे सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा किसको हम कैसे निकालते हैं तो चलो ए एम ए की वैल्यू कितनी है वन ए की वैल्यू है जी के बराबर प्लस टू इंटू जी डिवाइडेड बाई वन प्लस टू तो जब इसको सॉल्व करेंगे वन जी प्लस टू जी कितना निकल के आएगा थ्री जी थ्री जी बाई थ्री इक्वल टू निकल के आएगा जी तो जो आपका सेंटर ऑफ मास है हमने जी डायरेक्शन को डाउनवर्ड्स माना है यहाँ पे जी हमारा किधर है दोनों में ग्रेविटी डाउनवर्ड्स लग रही है क्योंकि कि किसी भी पार्टिकल को ग्रेविटी हमेशा नीचे खींचती है तो जब नीचे आ रही है तो हम डाउनवर्ड्स मानेंगे तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास निकल के आया है ये निकल के आया है जी और किस डायरेक्शन में है डाउनवर्ड्स क्यों क्योंकि धरती माता किसी भी पार्टिकल को नीचे खींचती है अब हमें ये पता चल गया अगला हमें क्या चाहिए सेंटर ऑफ मास का इनिशियल स्पीड कितना था क्योंकि हमें सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में का काउंट करना है तो चलो अब हम इनिशियल स्पीड निकालते हैं इनिशियल स्पीड यू वेक्टर सेंटर ऑफ मास देखो यार अभी जो हमने सीखा ना उसको कैसे यूज करेंगे वही एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या था एम ए सब एग्जाम में आए हुए हैं नीट या जेई में अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं आता आप पी वाई क्यू उठा के जाके देखिए न जाने कितने सवाल इस सब पे पूछे गए हैं इसलिए ध्यान से इसको समझिएगा चलो इसको सॉल्व करते हैं देखो एक ही क्वेश्चन करेंगे सब कुछ आपका कवर हो जाएगा और यार अगर यहाँ तक आपने देखा है तो वीडियो को लाइक कर दें व सब्सक्राइब कर दें अब देखो यहाँ पे क्या होगा अगर एक पार्टिकल ऊपर आ रहा है और ये नीचे आ रहा है तो नीचे को हम क्या मानेंगे अपना यहाँ पे मैं रेफरेंस डिसाइड कर देता हूँ यहाँ पे ये अगर रेफरेंस है नीचे आएगा तो हम क्या देंगे नीचे की डायरेक्शन को हम देंगे निगेटिव और ऊपर जाएगा उसके डायरेक्शन को पॉजिटिव देंगे समझ में आया कि नहीं कोई भी पार्टिकल ऊपर जा रही है उसको हम पॉजिटिव में देंगे एक मिनट इसको हम निकाल देते हैं तो जो हमारा देखो ए पार्टिकल है वो ऊपर जा रहा है लेकिन बी क्या है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो चलो टू इन टू बी किस स्पीड से आ रहा है बी हमारा किस स्पीड से आ रहा है बी हमारा 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है फिफ्टी डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी वन प्लस टू ए निकल के कितना आएगा यू सेंटर ऑफ मास ए निकल के आएगा पचास दूना सौ और दो सौ कितना सौ बटे तीन हंड्रेड बाई थ्री और इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो वीडियो को पॉज करिए एक बार फिर से देखिए सारा डाउट क्लियर हो जाएगा अब हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए भी सेंटर ऑफ मास अब देखो मैक्सिमम हाइट पे किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होती है अगर आपको कांसेप्ट याद होगा हमने किसी पार्टिकल को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया ये यहाँ से जाके फिर से क्या करेगा वापस आना शुरू कर देगा इस तरीके से तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी स्पीड घटना चालू हुई चालू हुई चालू हुई तो एक समय ऐसा आता है कि स्पीड वहाँ पे फाइनल स्पीड क्या हो जाती है फाइनल स्पीड जो है वो हो गई जीरो तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या हो गई जीरो समझ में आया कि नहीं फाइनल वेलोसिटी अब हमसे हाइट पूछ रहा है तो वहां पर जो हमने लिखा था यहाँ फिर देख देता हूँ लेट क्या है एच हमने क्या माना है एच बी द हाइट और इस हाइट को कहा माना है बी द हाइट से माना है अटेंड बाई सारा हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अटेंड बाय सेंटर ऑफ मास से कर रहे हैं अटेंड बाय सेंटर ऑफ मास बियॉन्ड सिक्सटी मीटर जो हमारा एच आएगा वो ऑलरेडी देखो सिक्सटी मीटर पे ग्राउंड से आ चुका है आपको सारा कैलकुलेशन ग्राउंड से करना था तो सिक्सटी के ऊपर एच कितना जाएगा उसको हमने माना है बियॉन्ड ग्राउंड मीटर यही है ना बियॉन्ड सिक्सटी मीटर एक मिनट इसको मिटा देते हैं बियॉन्ड सिक्सटी मीटर सिक्सटी मीटर कहां से ले रहे हैं ग्राउंड से ठीक ये समझ में आया कि नहीं अब चलो हमें हाइट चाहिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद होगा क्या करते थे भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच यही होता था ना भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच यहां जी की वैल्यू क्या है हम असल रेशन में दे रहे हैं ठीक असलेशन और ये सब किस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं याद रखना सारा सेंटर ऑफ मास पे हो रहा है फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और जो ये असलेशन है किसका है सेंटर ऑफ मास का अब देखो सारी चीजें अपने को नोन है केवल क्या नोन है H तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि नहीं आराम से जीरो माइनस सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी आई है हंड्रेड बाई का होल स्क्वायर इक्वल टू टू अब देखो असल रेशन किधर आया था कम्बाइन डाउनवर्ड नीचे की तरफ और कितनी है जी तो यहाँ माइनस जी की वैल्यू दस दिए इंटू एच तो चलो इसको सॉल्व करते हैं माइनस माइनस से माँनेस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा दस दुना बीस और बीस नोया एक सौ अस्सी तो चलो एच इक्वल टू इधर क्या होगा हंड्रेड का स्क्वायर हंड्रेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन एट्टी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव फाइव मीटर ए एच की बैलू आई जो हमने सेंटर ऑफ मास से एच ऊंचाई पे एज्यूम किया था लेकिन हमको टोटल हाइट ग्राउंड से बताने है तो टोटल हाइट कितना आएगा मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय पार्टिकल्स मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास को हम कहां से ले रहे हैं ग्राउंड से मान देता हूं कितना है एच ठीक तो एच इक्वल टू क्या आएगा प्लस प्लस वैल्यू पुट करते हैं इक्वल टू जब इसको ऐड करेंगे तो मैक्सिमम कितने हाइट तक जा सकता है कितना निकल के आएगा वन वन फाइव पॉइंट फाइव फाइव मीटर तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास था वो ग्राउंड से किस ऊंचाई पे जाएगा एक सौ पंद्रह दशमलव पांच पांच मीटर की ऊंचाई पर जाएगा आई होप आपको समझ में आ गया होगा अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो वीडियो को एक बार पॉज करिए इस क्वेश्चन को पूरा समझिए एक बार ये समझ जाओगे एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आप उसको आसानी से कर दोगे अगर आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट करिए मैं आपको उसका सोलूशन ज़रूर प्रोवाइड करूंगा या तो आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन पोस्ट करिए वहाँ पे भी आपको उसका सजेशंस मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ वहाँ से जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि जितना भी स्टडी मटेरियल है यहाँ मैं डिस्कस करता हूँ लेक्चर समाप्त होने के बाद सारा कुछ मैं उसमें पोस्ट कर देता हूँ तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं तो इसी के साथ जो आपका सेंटर ऑफ मास का चैप्टर था वो क्लोज होता है इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में चल ही रहा है वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए आपका कॉन्फिडेंस फिजिक्स को लेके एकदम स्ट्रांग हो जाएगा बिल्कुल भी आपको फिजिक्स से डर नहीं लगेगा बस जितना मैं सिखा रहा हूँ अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखिए देखो अगर आप सोचोगे कम समय में ना तो आपकी रैंक नहीं आएगी क्योंकि इससे कम टाइम में सिलेबस आपको पढ़ाया ही नहीं जा सकता और मैं हर चीज़ें एकदम जीरो से शुरू करता हूँ और एडवांस लेवल तक लेके जाता हूँ तो इसलिए सारे लेक्चर को अटेंड कीजिए जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना करते रहिए मैं आपको गारंटी दे रहा हूं फिजिक्स में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा और आपने देखा होगा कि जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था जो जेई मेन का पेपर हुआ एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आप जाके देख लेना सेम है केवल डेटा चेंज हुआ है इसलिए आप ट्रस्ट करके देखिए मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ कि जब फ्यूचर में एग्जाम होगा जे या नीट का सारे क्वेश्चन फिर से नोट से ही आने वाले हैं आप ट्रस्ट करिए मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ जब आप एग्जाम दे के निकलोगे तब आपको लगेगा हाँ पेपर पूरा नोट से ही आया है बस उसके लिए आपको ध्यानपूर्वक लेक्चर अटेंड करना है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए पी वाई क्योंकि तो सारे क्वेश्चन आप दो से तीन बार लगाइए क्योंकि और उसको लगाना नहीं उसके कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरी है जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे डेटा कुछ भी करे एक बार आप क्वेश्चन बनाने के एलगोरिदम डेवलप हो गया आप आसानी से उसको कर दोगे आई होप आपको समझ में आ गया होगा अगले सेशन में हम एक नया लेक्चर चालू करेंगे रोटेशनल मोशन उसके बाद अपनी मैकेनिक्स फिनिश हो जाएगी और आपका जो मैकेनिक्स है जितना अभी तक हमने डिस्कस किया आगे आने वाले फिजिक्स में ये सारा यूज होने वाला है इसलिए पूरा रिवाइज करके रखना तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा या कहीं डाउट है तो आप कमेंट में डालिएगा मैं आपको उसका सोल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा जब तक आप लोग फीडबैक नहीं दोगे हमको नहीं पता चलेगा कि इसमें हमें और क्या चेंज करने की ज़रूरत है तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सब्सक्राइब करें वो लाइक करें थैंक यू